Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. तो जैसा कि आप सबको पता ही है, OTT प्लेटफॉर्म हमारे लिए रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है ताकि हमारा लॉकडाउन इंटरेस्टिंग बना रहे। तो वैसे ही Zee5 भी हमारे लिए एक और फिल्म लेकर आ रहा है जिसका ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है। उस पिक्चर का नाम है चिंटू का बर्थडे। आइए देखते हैं उसका ट्रेलर है कैसा। कितना नहाएंगे चिंटू के पापा? कितना नहाएंगे पापा? आप सुलेख नहीं कर सकते हैं ना? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए 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 चलिए, चिंटू बाबू का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बिजली नहीं जानी चाहिए। अरे नहीं जाएगा बिजली, निश्चिंत रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए। पापा एक महीना से बोल रहे हैं कि इस बार जबरदस्त बर्थडे बनेगा। टोटल कितना दोस्त आएगा शाम को? 25। अरे हम तो 50 का बोले थे, पिछले साल का भी हिसाब बराबर कर लेते। चिंटू अब याद आए है नानी का पैर छूना है? पापा याद दिलाए नानी। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन खिराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन। और मेरा बर्थडे। Open up! Took you so long, buddy. Double check the room. I can explain. Get him down! Is he part of your family? See, there is a mistake. Say one more word and I'll blow your goddamn head off. We come for Chintu birthday party. Best friend, girlfriend, she go to school. You destroyed this morning. Welcome to Bump. Right. My name is Madan Tiwari, sir. We are Indian. Is your whole family working for these insurgents? Oh, happy birthday, Chintu. My Chintu is crying on his happy birthday. It is wrong. पापा इसको कैद में खिलाएंगे। अब जो बिगड़ना है बिगड़ जाए। चिंटू का वाओ, ये ट्रेलर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नई है। ट्रेलर से पिक्चर की स्टोरी तो साफ पता चल रही है कि एक छोटा बच्चा है जो अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि हमारे बर्थडे पे पार्टी होगी, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, और उसके पेरेंट्स पार्टी सेलिब्रेशन सबकी प्रिपरेशन कर भी देते हैं। उसी बीच स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और उनकी पूरी फैमिली हाउस अरेस्ट हो जाती है US आर्मी की तरफ से। ये फैमिली कैसे बच पाती है, अपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर पाती है, इस पर है ये पूरी फिल्म। तो इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और स्पेशली जो चिंटू के डैड हैं यानी विनय पाठक, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मूवी के अंदर। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विनय पाठक ने बोल ही दिया कि ईरान के पीपल्स के कंपैरिजन में इस फैमिली का दुख बिल्कुल छोटा सा है, और इसके बाद उन्हें बहुत मारा गया 2 अमेरिकन सोल्जर्स ने, और उनके घर में 2 दिन भी बिताए क्योंकि वो पता करना चाहते थे कि बाहर जो बॉम्बिंग हो रही है वो शायद इनकी वजह से ही ना हो रही हो, क्योंकि घर में सेलिब्रेशन चल रहा था। ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है ट्रेलर में देखने में और बहुत एक्साइटिंग भी है। अब लेट्स सी कि ये मूवी कैसी जाती है और कैसी इसकी स्टोरी आगे दिखाई जाती है फिल्म के अंदर। इस ट्रेलर को मैं 5 में से 4 stars दूंगी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और ये रिव्यू कैसा लगा ये बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।